वहीं उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं थाना उसावा के गांव में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि गांव के सभी लोग घर में सो रहे थे। रात के 11 बजे चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि 50,000 नगद सोने चांदी के गहने व एक कपड़ों से भरा बक्सा और मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट भी ले गए। वहीं थाना उसावा में FIR दर्ज कराने के बाद भी पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई है। खाली बक्सा कुछ डॉक्यूमेंट गांव से कुछ ही दूरी पर मिला है। तो ऐसी घटनाएं अक्सर गांवों में होती रहती हैं, जिससे ग्रामीणों में चोरों का भय व्याप्त है और पुलिस प्रशासन है कि हाथ पर हाथ रखकर मौन बैठा है। ये तो आपकी ये चोरी कब हुई थी? भाई कल रात में हुई थी। ये तो आपको जो कितना नुकसान हो गया? 50,000 रुपया है, 5 चीजें मिले जी। तो उस समय आप कहाँ थे? हम छत्तीसगढ़ थे, हमारे से मेहमान है, उनको इलाज चल रहा हूँ, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो आप जब चोरी हुई थी आप घर में थे? हम छत पर सो रहे थे जी। तो ये कैसे चोरी हुई थी कुछ मालूम है? अब इस समय कुछ नहीं बता सकते हैं, हम लोग छत पे सो रहे थे और किसी प्रकार से जो है कोई चोर अंदर आ गया, याद था इस समय हम लोग। किसी का आप शक है किसी का? इस समय तो फिलहाल में कोई शक नहीं है। तो आपका जो कितना नुकसान हो गया? हमारा जो है 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में नुकसान हुआ है।